नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव, आप सभी का स्वागत है खबरें अब तक में। खबरें अब तक में आज बात होगी जातीय जनगणना को लेकर राहुल गांधी के किए बड़े दावे की, महाराष्ट्र चुनाव में शुरू हुए भगवा बनाम फतवा की लड़ाई की और सीएम योगी को सत्ता से हटाने की शुरू हुई साजिश की। इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। नरेश मीणा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, एसडीएम को जड़ा था थप्पड़। महाराष्ट्र चुनाव का घमासान जारी, हिंगोली में हुई अमित शाह के हेलीकॉप्टर की चेकिंग। पीएम मोदी के विमान में आई तकनीकी खराबी, कुछ देर के लिए देवघर हवाई अड्डे पर रुका विमान। यूपी लोक सेवा आयोग ने किया पीसीएस एग्जाम की तारीख का ऐलान, 22 दिसंबर को होगी परीक्षा। मुंबई में बीकेसी मेट्रो स्टेशन के गेट के बाहर लगी आग, अस्थायी रूप से बंद की गई सेवाएं। श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड के आरोपी आफताब को लॉरेंस गैंग से खतरा, अलर्ट पर तिहाड़ जेल प्रशासन। गुजरात में पोरबंदर में समंदर में ड्रग्स के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, 500 किलो ड्रग्स जब्त। दिल्ली में ऑफिस की बदली टाइमिंग, प्रदूषण के चलते सरकार का बड़ा फैसला। ट्रंप की जीत के साथ ही खत्म हुए सोने के अच्छे दिन, आई 3 साल की सबसे बड़ी गिरावट, चांदी भी बेदम। गुरु नानक जयंती पर आज घरेलू शेयर बाजार बंद, एशियाई सूचकांकों में दिखी बढ़त। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। झारखंड में पहले चरण का मतदान हो चुका है, वहीं अब अगले चरण की वोटिंग 20 नवंबर को होगी। जी हां, झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में जामताड़ा जिले के दोनों विधानसभा सीटें नाला और जामताड़ा के अलावा पूरे संथाल परगना प्रमंडल की 18 सीटों पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसको लेकर उम्मीदवार और उनके स्टार प्रचारक दिन रात कैंपेनिंग कर रहे हैं। वहीं आज लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत मेहरामा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और जातीय जनगणना को लेकर बात की। राहुल गांधी ने कहा कि जिस दिन जातीय जनगणना हो गई, उसी दिन से देश का चेहरा बदल जाएगा। दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और गरीबों को उनकी असली ताकत का पता चलेगा और इसके बाद एक नई राजनीति की शुरुआत हो जाएगी। राहुल गांधी ने दावा किया कि भाजपा भले ही जातीय जनगणना की मांग नकार दे, लेकिन कांग्रेस पार्टी लोकसभा में इसका प्रस्ताव पास करेगी। उन्होंने कहा कि दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, गरीबों की सही संख्या सामने आते ही हम आरक्षण की 50% की दीवार को झारखंड से लेकर दिल्ली तक तोड़कर दिखाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में भाजपा ने पिछड़ों का रिजर्वेशन 27 से घटाकर 14% कर दिया। इस बार हमारी सरकार बनते ही एसटी का रिजर्वेशन 26 से 28%, एससी 10 से 12% और पिछड़ों का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% कर दिया जाएगा। आपको बता दें, इस बार के चुनाव में भाजपा जहां बांग्लादेशी घुसपैठ और हिंदू सुरक्षा को मुद्दा बनाकर अपनी नैया पार करने का प्रयास कर रही है, तो वहीं झामुमो और कांग्रेस बिजली बिल माफी, मैया सम्मान योजना, 10 लाख रोजगार, सरना धर्म कोड तथा ओबीसी आरक्षण को मुद्दा बनाकर वोट मांग रही है। सभा की सभाओं में भी भीड़ भी जुट रही है। ऐसे में अब देखना यह है कि भीड़ कितना वोटों में तब्दील होती है। खैर, आपको अब ले चलते हैं अपनी अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान होने हैं, ऐसे में वहां का चुनावी दंगल अब महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच जुबानी तकरार से निकलकर अब फतवा बनाम भगवा हो चुका है। बीजेपी हिंदुत्व को हथियार बनाकर महाअघाड़ी को चुनाव में चित करना चाहती है, तो वहीं महाअघाड़ी को भी मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण से गुरेज नहीं है। मुस्लिम वोटों के लिए वो मुस्लिम संगठनों से हर डील करने को तैयार है। अब इस चुनावी समर में पीएम मोदी ने भी अपने बाण से तीर छोड़ दिए हैं। मोदी की लाइन है कि महाअघाड़ी के नेता भगवा आतंकवाद का शब्द गढ़ते हैं। इसके जवाब में खड़गे कहते हैं कि कुछ नेता साधु के वेश में घूमते हैं। वहीं अमित शाह जनता से पूछते हैं कि महाराष्ट्र अब शिवाजी महाराज के बताए रास्ते पर चलेगा या औरंगजेब के रास्ते पर चलेगा, तो वहीं सीएम योगी ने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस कालखंड में जब औरंगजेब जैसा बर्बर आक्रांता भारत में शासन कर रहा था, सनातन की रक्षा की, हिंदुओं को बचाया। ऐसे में मानो महाराष्ट्र में सारा खेल अब हिंदू मुस्लिम में शिफ्ट हो गया है। महाराष्ट्र की चुनावी लड़ाई अब बटेंगे और कटेंगे से 2 कदम आगे जा चुकी है। अब इस चुनावी रण में संग्राम भगवा बनाम फतवा हो चुका है। बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर महाराष्ट्र की सत्ता के सपने देख रही है।
बीजेपी की नजर जहां हिंदू वोटरों पर है तो वहीं महाविकास अघाड़ी मुस्लिम संगठनों से मुस्लिम वोटों की डील कर रही है। एनडीए उनकी हर शर्तें मानने को मजबूर है। इस लड़ाई में उन्हें साधु वेश पर बयानबाजी से भी गुरेज नहीं है। इसी वजह से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सीधे सीधे साधु संतों के पवित्र भगवा और गेरुए वस्त्रों का हवाला देते हुए कह दिया कि कुछ नेता साधु भेष में घूम रहे हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र के रण में महायुति बनाम महाअघाड़ी की ये लड़ाई मुद्दों से निकलकर हिंदू और मुसलमान वोटरों को लुभाने की है, यानी ये लड़ाई भगवा बनाम फतवा हो चुकी है। ऐसे में इस लड़ाई में जीत किसकी होती है ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल बढ़ते हैं अपनी अगली रिपोर्ट की ओर। अब बात करते हैं देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। आपको दिल्ली के सीएम रहे अरविंद केजरीवाल का वो बयान तो याद ही होगा जब उन्होंने कहा था कि भाजपा अगर 400 सीटें जीतेगी तो सबसे पहले सीएम योगी को कुर्सी से हटाएगी। वहीं एक बार फिर इस बात की चर्चा होने लगी है और ये सवाल उठने लगा है कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी फिर से खतरे में आ गई है। दरअसल इस समय योगी का हटना विपक्ष का सबसे बड़ा सपना है। विपक्ष की सारी उम्मीदें इस बात पर टिकी हैं कि बीजेपी योगी आदित्यनाथ को उनके पद से हटा देगी और अब अखिलेश यादव भी अपने एक नए बयान में ही यही दावा कर रहे हैं। इस बार तो अखिलेश यादव पूरे राज्य उत्तर प्रदेश में और भारत की राजनीति में ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अब जाने ही वाले हैं। लेकिन आज बड़ा सवाल ये है कि विपक्ष के नेता आखिर योगी आदित्यनाथ के पीछे क्यों पड़े हैं। इस साल जब भारत में लोकसभा के चुनाव हुए तब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर बीजेपी 400 सीटें जीत गई तो सबसे पहले योगी आदित्यनाथ को ही हटाएगी। इसके बाद जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में सिर्फ 33 सीटें जीती तब भी यही कहा गया कि योगी की कुर्सी जाने ही वाली है और अब बीजेपी के अंदर उनके खिलाफ बहुत कुछ चल रहा है और कई हफ्तों तक लगातार ये खबरें चलती रही कि दिल्ली में बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं, बीजेपी उन्हें हटाने के बारे में सोच रही है और बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो योगी आदित्यनाथ से बहुत नाराज हैं क्योंकि लोकसभा चुनावों में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था। इसी तरह हरियाणा और फिर महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों को लेकर ये बात कही जा रही है कि अगर बीजेपी इन चुनावों में जीत कर और ज्यादा मजबूत हो गई तो वो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में योगी को हटा देगी। और अब ये कहा जा रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश के आने वाले उपचुनावों में बीजेपी हार गई तब भी योगी का हटना निश्चित है। ऐसा लगता है कि विपक्ष की सारी उम्मीदें योगी आदित्यनाथ के हटने पर ही टिकी हुई हैं और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि योगी आदित्यनाथ जिस तरह से हिंदुत्व की राजनीति के पोस्टर बॉय बनकर उभरे हैं, उनका बटेंगे तो कटेंगे का नारा पूरे देश में सुपर हिट हुआ है, उससे भारत की राजनीति में उनका कद काफी बढ़ गया है। उनका जो फैन बेस है उसकी संख्या तेजी से बढ़ी है, उत्तर प्रदेश में भी और उत्तर प्रदेश के बाहर भी। वहीं हरियाणा के बाद अब झारखंड और महाराष्ट्र में भी योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारक बनकर कई रैलियां कर रहे हैं। असल में विपक्ष को लगता है कि अगर उसने योगी आदित्यनाथ के रूप में बीजेपी के सबसे बड़े विकेट को गिरा दिया तो बीजेपी हिंदुत्व के मोर्चे पर कमजोर हो जाएगी और यही कारण है कि लोकसभा चुनावों के बाद से लगातार विपक्ष के नेता योगी आदित्यनाथ को हटाने की बात करते आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ पिछले 7 वर्षों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वो अब भी बीजेपी के लिए हिंदुत्व के सबसे बड़े पोस्टर बॉय हैं। खैर जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। अब हम आपको ये बताएंगे कि हमारे देश में साइबर अपराधी कैसे हर दिन और हर घंटे के साथ अपडेट होते जा रहे हैं। सरकार कदम तो उठाती है लेकिन हमारे देश के जो साइबर अपराधी हैं वो सरकार से एक कदम नहीं बल्कि 2 कदम नहीं बल्कि 10 कदम आगे हैं। इस समय भारत की साइबर पुलिस डिजिटल अरेस्ट की धोखाधड़ी के खिलाफ देश भर के लोगों को लगातार जागरूक कर रही है, विज्ञापन दे रही है, अलग अलग तरह के कैंपेन चला रही है। तब ऐसे में आप सोचते होंगे कि डिजिटल अरेस्ट से कैसे बचना है, लेकिन साइबर अपराधी उससे पहले ही एक और नया फ्रॉड लेकर आए हैं, सरकार से भी बहुत आगे हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में 12 नवंबर से शादियों का नया सीजन शुरू हुआ है और इस दौरान लोगों को ठगने के लिए अब साइबर अपराधी शादियों के डिजिटल कार्ड्स को व्हाट्सएप पर भेजकर नया हथियार बना रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश की पुलिस का कहना है कि साइबर अपराधी व्हाट्सएप पर शादियों के डिजिटल कार्ड्स की एक ऐसी फाइल लोगों को भेज रहे हैं जिसे डाउनलोड करने से आपके मोबाइल फोन में एक मालवेयर वायरस आ जाता है और इस वायरस से साइबर अपराधी आपका पूरा डेटा चोरी करके आपके बैंक खातों को खाली कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको किसी अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप पर किसी शादी का कोई कार्ड आता है तो उस पर क्लिक ना करें और पहले ये चेक करें कि वो कार्ड किस नंबर से आया है और वो कार्ड क्या आपके किसी जान पहचान वाले ने भेजा है या किसी अनजान व्यक्ति ने आपको व्हाट्सएप पर शादी का ये निमंत्रण भेजा है। इसलिए आप खुद सावधान रहिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी हमारा ये वीडियो फॉरवर्ड करिए ताकि वो भी शादियों के नकली कार्ड से सावधान रहे। फिलहाल अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।